माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर गरिमा गुप्ता है, मेरे पति का नाम डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता है। मैं आपके राज्य यूपी में जिला आगरा में थाना शाहगंज क्षेत्र की निवासी हूं। यहां पर कई साल से रहती हूं और एक छोटे से हॉस्टल का संचालन भी मैं कई साल से करती हूं। महोदय, मेरी शिकायत यह है कि मेरे पड़ोस में रहने वाले महेश कुमार सिंह और गौरी सिंह मुझे काफी समय से ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। 22 फरवरी 2022 को उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए की चौथ मांगी और ना देने के एवज में मुझसे ये कहा कि धोखे से मेरे कुछ फोटोग्राफ्स बनाए हुए हैं उन्होंने, जो वो वायरल कर देंगे। मैंने चौथ की रकम नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे कुछ फोटोग्राफ्स 25 फरवरी को वायरल कर दिए। फिर भी मैंने चौथ की रकम नहीं दी। तब महेश कुमार सिंह अपनी बहन गुड्डो के साथ मिलकर मुझे कुख्यात डॉन, जो कि फतेहगढ़ जेल में बंद है, जिसे उम्र कैद की सजा है, वहां से मुझे फोन करवाया कई बार, जिसमें मुझे और मेरे परिवार को मारने की जिसने धमकी दी और ये कहा कि अगर सौद की रकम नहीं पहुंचाई तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे, जिससे मेरे परिवार में दहशत का माहौल बन गया और मेरा परिवार आपके यूपी से पलायन करके राजस्थान रहने लग गया। और पिछले कई दिनों से हम राजस्थान में ही रह रहे हैं, जहां पर मेरे पति की कार को हाईवे पर दो ट्रकों के बीच में कुचल दिया गया। लकीली मेरे पति बच गए हैं, उनको मामूली चोटें आई हैं, जिनका की इलाज धौलपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है। अब मान्यवर, मैं आपसे चाहती हूं, मेरा ये निवेदन है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें। मुझे कई दिन हो गए लगातार, कभी एसएसपी के ऑफिस, कभी एसपी सिटी के ऑफिस, कभी थाना शाहगंज का चक्कर लगाते लगाते मैं थक गई हूं। प्रशासन मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि ये सब कुछ लोकल पॉलिटिकल, ये जो लोग हैं इनको लोकल पॉलिटिकल लोगों का संरक्षण मिला हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है मान्यवर, आप इस केस को अपने हाथ में लें, आप इसमें हस्तक्षेप करें, मुझे न्याय दिलवाएं, जिससे मैं दोबारा आपके यूपी में रह सकूं, प्रैक्टिस कर सकूं, अपने बच्चे पाल पोस सकूं। यदि आप भी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरे पास सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं बहुत दिनों से बहुत परेशान हूं, तब मैं आज ये वीडियो बना के आपकी तरफ भेज